हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डिवीएस स्टडी में। आज के इस सेशन में हम सभी लोग बात करेंगे कि जो परीक्षाएं पार्ट थ्री का कैंसिल हुआ है, यानी कि अपडेट चेंज कर दिया गया है। जो परीक्षा पार्ट थ्री का आपका सेशन 2019 से 22 वाले स्टूडेंट का एग्जाम 29 तारीख से शुरू होने वाला था, वह अब 29 का एग्जाम न होकर 29 का आपका एग्जाम कोई भी नहीं होगा। उसी के साथ 31 को भी जो एग्जाम होने वाली थी उस डेट को भी कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेशन 2019 से 22 वाले छात्र का जो दो दिन एग्जाम होने वाले हैं वह डेट को चेंज कर दिया गया है। उसके बदले में उस सेम सब्जेक्ट का एग्जाम अब किसी दूसरे दिन होगी। जैसे कि 29 तारीख का एग्जाम 29 दिसंबर 2022 को जो एग्जाम होने वाली थी वह एग्जाम अब 29 दिसंबर 2022 को न होकर कब होगी, 11 जनवरी 2023 को होगी। 11 जनवरी 2023 को होगी। नोट करेंगे ध्यान से, जिन जिन छात्रों का एग्जाम 29 तारीख को था वह सभी एग्जाम, वह फर्स्ट शिफ्ट का हो या सेकंड शिफ्ट का, वह सभी एग्जाम आप सभी को बता दूं कि जनवरी में 11 तारीख 2023 को लिया जाएगा, यानी कि 11 जनवरी 2023 को लिया जाएगा। और सेकंड बात करें तो 31 तारीख को जो एग्जाम होने वाली थी 31 दिसंबर को, वह एग्जाम 12 जनवरी 2023 को होगी। आपका दो दिन का एग्जाम पेपर चेंज हुआ है, यानी कि एग्जाम का डेट चेंज हुआ है। जैसे कि 29 तारीख के बदले अब 11 जनवरी को एग्जाम होगा और 31 तारीख के बदले 12 जनवरी को एग्जाम होगा। यह डेट काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी को बताना, क्योंकि अब 29 तारीख से आपकी एग्जाम शुरू नहीं होगी, बल्कि 30 तारीख को जिन जिन छात्रों का एग्जाम था वह एग्जाम वैसे ही रहेंगे, लेकिन 29 और 31 तारीख को जो एग्जाम होने वाले थे वह दोनों एग्जाम अब 11 और 12 तारीख को होंगे। यह काफी इंपॉर्टेंट सूचना थी। यह अपडेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वीडियो बनाने से पहले अपडेट कर दिया हूं। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही था। इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए, सबसे पहले और सबसे तेज पाने के लिए डीवीएस स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।